हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजू की वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज चल रही हूँ नारियल का लड्डू बनाने, थोड़ा सा अलग तरीके से। और ये मेरा घी है, कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो 2 छोटा चम्मच घी है ये, और इसमें अब 3 कटोरी इस कटोरी से 3 कटोरी है नारियल का बुरादा है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसमें गर्म कर लूंगी। और अब नारियल का बुरादा हो गया है, 2 मिनट हो गया, भुना गया, थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंस हो गया है। तो अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी रखी हूँ, पीसी हुई चीनी। अब इसको मैं डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दे रही हूँ। 1 पाउडर है, 200 ग्राम दूध होगा, 200 ग्राम दूध है। और इसको अब डाल दी हूँ। और अब इसी में मैं रखी हूँ 1 मिल्क का पाउडर है। अब इसको 1 कटोरी इसी कटोरी से इसको डालूंगी उसमें, ताकि उसका टेस्ट और बढ़िया से आ जाए। नहीं पड़ेगा तो भी ठीक है, लेकिन पड़ जाएगा तो और जैसे कि हो जाता है कि बढ़िया खोआ की तरह इसका टेस्ट है। और इसको अच्छे से मिलाऊंगी इसमें। तो देखिए, मेरा ये मिक्सर लगभग लगभग तैयार हो गया है। बस 1-2 मिनट और इसको करना है कि ताकि इसको बढ़िया से मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर आपके पास दूध का पाउडर नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। बस नॉर्मल दूध होना चाहिए गाय भैंस का, और थोड़ा सा डाल दीजिए उसमें, उसके बाद चीनी मिला के अपना बना सकते हैं। लेकिन इसको डालने के थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है, इसलिए मेरे पास का मैं डाल दिया। तो मेरा मिक्सर देखिए एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल दे रही हूँ प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा हो जा, फिर इसको तब मैं लड्डू बनाऊंगी। तो देखिए, मेरा मटेरियल तैयार हो गया अच्छी तरह से, और अब लड्डू बनाने लायक हो गया है। तो फटाफट लड्डू बन जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है, थोड़े ही समय बन जाता है। मैं तो नारियल मंगाए थे घर पर, और उसी का मिक्सर में बुरादा बना के और फिर बनाए। देखिए है इसमें, तो इसे लड्डू बना के ड्राई बुरादा है रखी थी उसी में से, और ऐसे ही कर दिया, ऐसे रख दीजिए। तो मेरा लड्डू देखिए एकदम तैयार हो गया है, और एकदम टेस्टी और कम समय में, कम खर्चे में, फर्स्ट क्लास के। त्योहार में बनाइए, गेस्ट के लिए बनाइए, और खाइए आराम से, मजे लीजिए लड्डू का। धन्यवाद दोस्तों।